जी आवाज और स्क्रीन के बारे में बताइएगा। ठीक है, स्क्रीन अगर आपको शो नहीं हो रही होगी तो एक सेकंड में आपको स्क्रीन भी शो हो जाती है। मुझे बताइए मॉर्गेजेस एंड चार्जेस से इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस से कोई सवाल? ऑल डन। कोई चीज मुश्किल लगी हो? फर्स्ट पैरा में सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पैरा कौन सा वाला? फर्स्ट पैरा ये भी बता दें, फर्स्ट पैरा से शायद भी हम बना दें। फर्स्ट पैरा में सेकंड पार्ट, जी इमरान भाई कौन सा फर्स्ट पैरा और कौन सा वाला पॉइंट? सर फर्स्ट पेज पे जो लिखा हुआ ना इनहेरेंट बारिंग पावर, उसमें जो हाँ सेकंड पॉइंट है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि कंपनी के पास जो है वो हर तरह की पावर्स है बोरो करने की, और जब वो बोरो करेगी तो अपनी प्रॉपर्टी को या फ्लैश करवाएगी या मॉर्गेज करवाएगी या उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करेगी। तो ये तो कॉमन सेंस की बात भी है कि जब भी आप किसी से पैसे लेंगे तो वो अपने पास कोई ना कोई आपकी सिक्योरिटी तो रखेगा, तो वो सिक्योरिटी या तो आप प्लेस करवा रहे होंगे या मॉडलेस करवा रहे होंगे, उसको चार्ज क्रिएट करवा रहे होंगे। तो सर हाँ सर हाँ पॉइंट ये था कि कंपनी जो है ना, एक मिनट सर, सर वो मैं पीछे वाला रिवाइज कर रहा था, वहां से मेरा क्वेश्चन है, इस चैप्टर से नहीं था। अच्छा, यानी वो फर्स्ट पेज का सेकंड पैरा और था। जी, वो पीछे से वो रिवाइज कर रहा था वहां से ठीक की। है, तो कोई मसला नहीं, वो आप व्हाट्सएप पर पेमेंट से पूछ लेना, कोई मसला ओके सर, नहीं, आंसर कर देंगे। बट अभी मैं खड़ा हूँ मॉर्गेजेस के अंदर, तो मुझे बताओ मॉर्गेजेस से कोई सवाल? मॉर्गेजेस एंड चार्जेस से कोई सवाल किसी भाई का? कोई सवाल नहीं, चल चैप्टर सिक्स को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सिक्स इज अबाउट प्रोस्पेक्टस और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जस्ट लाइक मैनी अदर चैप्टर्स, इसके अंदर भी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात होगी। पहले वो आपको समझाएगा कि प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस के अंदर चीजें कौन कौन सी है, प्रोस्पेक्टस कैसे कैसे इश्यू होता है, कब कब अवेलेबल किया जाता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर एक्सपर्ट का क्या रोल होता है। तो पहले वो आपको 3 पेजेस के ऊपर या 4 पेजेस के ऊपर बताता है प्रोस्पेक्टस के बारे में, और फिर किताब का जो आखिरी पेज है उसके ऊपर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बात करता है। तो हमारा आज का टारगेट प्रोस्पेक्टस मैक्सिमम जितना हो सका हम लोग कवर करेंगे। जब आप प्रोस्पेक्टस को समझने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल ही शुरू में इसकी एक तकलीफ दे डेफिनेशन आपके सामने आ जाती है। एक मुश्किल डेफिनेशन है, मगर इसको क्रैम तो आपने करना है क्योंकि आईकैप इसको पूछ चुका है और पूछ सकता भी है। प्रोस्पेक्टस आपने कॉमनली सुना होगा, जब आप डिफरेंट कॉलेजेस को विजिट करते हैं, आपने अपने इंटरमीडिएट के टाइम पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को, डिफरेंट कॉलेजेस को विजिट किया होगा, और हर कॉलेज ने आपको अपना प्रोस्पेक्टस दिया होगा। उस प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि हमारे टीचर्स कौन कौन से हैं, हम कौन कौन से जो है वो पढ़ाई करवा रहे हैं, हमारा कॉलेज का माहौल कैसा है, कॉलेज का स्टाफ कैसा है, क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, फन गाला कब होता है, स्पोर्ट्स गाला कब होता है, टाइम टेबल क्या होगा, टीचर्स की कितनी क्वालिफिकेशन है,
पिछले स्टूडेंट्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है, फिर कुछ मैसेजेस होते हैं डीन की तरफ से, वाइस प्रिंसिपल की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, तो मुख्तलिफ चीजें उस प्रोस्पेक्टस के अंदर नजर आ रही होती है। बेसिकली प्रोस्पेक्टस अपने अंदर एक मार्केटिंग टूल भी है, प्रोस्पेक्टस अपने अंदर एक मार्केटिंग टूल भी है, यानी कि प्रोस्पेक्टस आपको ये बता रहा होता है कि क्या आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। जितना अच्छा प्रोस्पेक्टस होगा उतने ज्यादा चांसेस है कि बच्चे उस कॉलेज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सेम इज द केस विद कंपनी। कंपनी क्या करती है, कंपनी भी अपना प्रोस्पेक्टस बनाती है और उसको इशू करती है, जिससे वो जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करती है कि आओ और मेरे शेयर्स आके परचेज करो। इस तरह कॉलेजेस आपको प्रोस्पेक्टस देके आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपको टैक्ट कर रहे होते हैं कि आओ और आके हमारे कॉलेज के अंदर एडमिशन लो। सेम इज द केस हेयर विद द कंपनी। कंपनी क्या है, वो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें लिखी होती हैं, और जब जनरल पब्लिक शेयर्स इन्वेस्ट करने के लिए पहुंचती है तो वो सबसे पहले डिमांड करती है हर कंपनी का प्रोस्पेक्टस। जब वो प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि आया उनको उस कंपनी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन बताई है सिक्योरिटीज एक्ट ने। अब इस चैप्टर के अंदर जो प्रोस्पेक्टस वाला हिस्सा है उसको कंपनीज एक्ट डील नहीं करता, उसको सिक्योरिटीज एक्ट 2015 डील करता है। तो आपने ये बात भी याद रखनी है कि अब हम सिक्योरिटीज एक्ट में दाखिल हो चुके हैं, कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस और फिर वापस आ जाएंगे। हर वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी हो, या हर वो डॉक्यूमेंट जो कि इश्यू किया गया है एज अ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के नाम पे, और उसके अंदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो, नोटिस हो, सर्कुलर हो, मटेरियल हो, एडवर्टाइजमेंट हो, ऑफर फॉर सेल ऑफ डॉक्यूमेंट हो, पब्लिकेशंस हो, अदर इनविटेशन हो ऑफरिंग की किसी भी कंपनी की, चाहे वो पब्लिक हो या पब्लिक कंपनी की कोई मजीद कोई सेक्शन जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रोस्पेक्टस कहलाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा नोटिस, कोई भी ऐसा सर्कुलर, कोई भी मटेरियल, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो इंटरनेट पे हो रही हो, चाहे वो टीवी पे हो रही हो, टीवी पे इश्तहार आ रहा हो, नॉर्मली आते नहीं है, मगर किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट जो आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं जिसमें आप जनरल पब्लिक को कह रहे हैं कि आओ और आके मेरे शेयर्स परचेज करो, आप उनको ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं, उनको बुलावा दे रहे हैं कि आओ और आके हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट करो, दिस इज known as prospectus। हम इनवाइट कर रहे हैं कि जनरल पब्लिक आके हमें ऑफर दे और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करे, हमारे शेयर्स को परचेज करे। दिस इज व्हाट वी कॉल prospectus। डेफिनेशन समझ जरूरी नहीं है, मगर समझने के बाद दोबारा से नहीं समझनी, उसको फौरन से क्रैम कर लेना है, क्योंकि डेफिनेशंस के मामले में आईकैप पहले से ही बहुत जालिम है और वो चाहता है कि बच्चे को एटलीस्ट डेफिनेशन सही से आती हो। तो हर वो डॉक्यूमेंट जिसको प्रोस्पेक्टस बना दिया गया, जिसको प्रोस्पेक्टस के नाम से इशू किया गया, और उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, सेल डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन या किसी भी तरह का इन्विटेशन जिसमें आप ऑफर दे रहे हैं पब्लिक को कि आओ और आके शेयर्स हमारे परचेज करो, शेयर्स में हमारे इन्वेस्ट करो, ये क्या कहलाता है, ये प्रोस्पेक्टस कहलाता है। और मजे की बात है कि प्रोस्पेक्टस खाली शेयर्स के लिए नहीं है, ये किसी भी तरह की सिक्योरिटीज के लिए। हमें पता है कि सिक्योरिटीज का जब हम लोग नाम लेते हैं तो इसके अंदर शेयर्स भी आ जाते हैं और इसके अंदर डिबेंचर्स भी आ जाते हैं। तो प्रोस्पेक्टस कैन बी फॉर एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिटी जो है वो कंपनी के भी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट की भी हो सकती है, या किसी और एंटिटी की भी हो सकती है। मगर याद रखिएगा कुछ एक्सेप्शंस भी है।
अगर हम एक्सेप्शंस में जाने से पहले पहले यहाँ तक की हमें बातें समझ आनी चाहिए कि हर वो डॉक्यूमेंट जो कि इशू किया जा रहा है उस नाम से का ये प्रोस्पेक्टस है और उसके अंदर हम अवाम से पैसा ले रहे हैं, अवाम को इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ और आप हमारे शेयर्स परचेज करो, उन तक पहुंच रहे हैं, हम उन तक पहुंच रहे हैं या उनको हम तक पहुंचने में हेल्प मिल रही है, तो ये क्या है, ये प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस हर कंपनी इशू कर सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट इशू कर सकती है और किसी भी तरह की एंटिटी इशू कर सकती है। आपको याद कराऊं, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी प्राइवेट कंपनी की, उस प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी मेंबर्स को इनवाइट नहीं कर सकती कि वो उनके शेयर्स खरीदे। इसका मतलब ये था कि प्राइवेट कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू मेंबर्स के लिए यानी कि जनरल पब्लिक के लिए नहीं करेगी। इसके अंदर इस डेफिनेशन के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आप इश्तेहार देखें टीवी के ऊपर किसी बैंक का और बैंक आपसे कह रहा हो कि आए हमारे अंदर पैसा इन्वेस्ट करें और हम आपको इतने परसेंट रिटर्न देंगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट देंगे, तो ये प्रोस्पेक्टस नहीं है। या बैंक ना हो, किसी भी तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो और वो आपसे पैसा डिमांड कर रही हो, आपको इन्वाइट कर रही हो अपना पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए और उसके बदले वो आपको कुछ सर्टिफिकेट दें फॉर इन्वेस्टमेंट या फॉर डिपॉजिट, तो ये प्रोस्पेक्टस के जुमरे में नहीं आएगा। अब अगर मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रेकअप करूं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, तो डेफिनेशन मुझे ये कहती है कि हर वो डॉक्यूमेंट और इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, ऑफर, पब्लिकेशन, बहुत कुछ। तो हर वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम जनरल पब्लिक को बाकायदा इनवाइट कर रहे हैं कि आए और आके हमें ऑफर दे या हमारे शेयर्स परचेज करें, दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कौन कौन सी कंपनीज इशू कर सकती हैं? तमाम पब्लिक कंपनीज कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट कंपनी में क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है या किसी भी तरह की एंटिटी जो है वो प्रोस्पेक्टस निकाल सकती है। इसमें कौन से लोग शामिल नहीं होंगे? वो बैंकिंग कंपनीज शामिल नहीं होंगी, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज शामिल नहीं होंगी जो कि लोगों को बुला रही हैं, लोगों से डिपॉजिट ले रही है और उसके बदले उनको सर्टिफिकेट्स इशू कर रही है फॉर इन्वेस्टमेंट या फॉर डिपॉजिट, तो वो लोग शामिल नहीं होंगे। रिगार्डलेस ऑफ दैट, इस डेफिनेशन के अंदर हम जनरल पब्लिक से कह रहे हैं कि आए और आके हमारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो डेफिनेशन मैंने आपको समझा जरूर दी है, मगर एट द एंड आपने अच्छे बच्चों की तरह क्या करना है, इसको क्रैम कर लेना। इस प्रोस्पेक्टस का पर्पस क्या है कि अगर कंपनी ने अपने सिक्योरिटीज को इशू करना है लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक के लिए यानी कि अवामुन नास के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, तो फिर वो एक जनरल प्रोस्पेक्टस इशू करती है ताकि जनरल अवाम तक ये बात पहुंच जाए। और अगर जनरल पब्लिक ने उसको सब्सक्राइब करना है या उसकी सिक्योरिटीज खरीदनी है, तो फिर वो प्रोस्पेक्टस के अंदर मौजूद रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के वो सिक्योरिटीज, वो शेयर्स परचेज कर लेती है। मुझे बताइए यहां तक इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, डेफिनेशन में कोई बात या नीचे जो उसका पर्पज है उसके अंदर अगर कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे बताइए। यहां तक क्लियर है?
डन, यहां तक आपको डेफिनेशन और उसका पर्पस समझ आया। प्रोस्पेक्टस जो है उसके अंदर एक कैटेगरी होती है शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? मैं कहता हूं कंपनी को जरूरत है 20 करोड़ रुपए की, कंपनी को जरूरत है 20 करोड़ रुपए की। एक ऑप्शन कंपनी के पास ये है कि कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करे और लोगों से 20 करोड़ रुपया डिमांड कर ले, यानी कि एक ही प्रोस्पेक्टस में उसने 20 करोड़ रुपया डिमांड कर लिया, ये उसके पास ऑप्शन है। कभी कभी कंपनी कहती है हमें चाहिए तो 20 करोड़ ही, मगर अभी एकदम सारे पैसे नहीं चाहिए, हमें डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने एक नया प्लांट लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपया चाहिए। लैंड इसमें से आएगी 5 करोड़ की और जो उसके ऊपर मशीनरी है यानी कि जो असल प्लांट आएगा वो आएगा 15 करोड़ रुपए का। तो अभी कंपनी को चाहिए 5 करोड़ ना के 20 करोड़, मगर टोटल में हमें 20 करोड़ चाहिए जरूर, मगर अभी कितना चाहिए? 5 करोड़ हमने लैंड परचेज करने में। और अगर हम मार्केट में अभी 20 करोड़ रुपए की आवाज लगाएंगे तो शायद लोग डर के इन्वेस्ट ही ना करें, तो अभी 5 करोड़ के लगाते हैं, उसके बाद 5-5 करके या 15 की दूसरी आवाज लगाते हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि हम एक ही प्रस्पेक्टस से मल्टीपल बॉरोइंग्स कर सकें, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ले सकें, कंपनी इशू करती है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या इशू करती है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये एक सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी को अलाउ करता है कि अब आप मल्टीपल ऑफरिंग्स कर सकते हैं अंडर वन प्रोस्पेक्टस। यानी कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाएगी जिसमें लिखेगी कि हमें टोटल 20 करोड़ चाहिए, जिसमें से अभी हम आपसे 5 करोड़ पर डिमांड करें और बाकी 15 करोड़ हम आपसे बाद में इस डेट पर डिमांड करेंगे। तो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आपने मल्टीपल ऑफरिंग्स की दुकान अपनी खोल दी, और ये कहां पर डाली है आपने? उसी प्रोस्पेक्टस के अंदर ये सारी बात, उस रेलिवेंट टाइम पीरियड, कब आपको पैसा चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा, क्या क्या कंडीशन उस वक्त होनी चाहिए, वो सारी आप मेंशन करके साथ बता देते हैं। और लोगों से कहते हैं कि अभी आप 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद हम आपसे 15 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेंगे एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, और जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हमारी मीट हो जाएंगी। दिस इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसके अंदर सिंगल प्रोस्पेक्टस के अंदर आप मल्टीपल ऑफरिंग्स की एक अलग से दुकान खोल देते हैं। सर रिपीट कर दें एक दफा। ओके, लेट्स सपोज अबनान भाई लिमिटेड को मैं कहता हूं 10 करोड़ रुपया चाहिए। 10 करोड़ रुपया क्यों चाहिए? क्योंकि इन्होंने एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंपोर्ट करना है और उसके बाद उसको पाकिस्तान के अंदर लाके इंस्टॉल करना। टोटल जो उसकी जो खर्चा आएगा वो आएगा 10 करोड़ रुपए का, मगर अभी वो कह रहे हैं कि 10 करोड़ हमें नहीं चाहिए, हमें इस 10 करोड़ से लेट्स सपोज 4 करोड़ रुपया अभी चाहिए और बाकी 6 करोड़ रुपया हम आपसे बाद में लेंगे। तो राधा धर्म की कंपनी दो दफा प्रोस्पेक्टस निकाले, कंपनी ने सिंगल प्रोस्पेक्टस निकालना है। कंपनी ने क्या करना है? सिंगल यानी कि एक प्रोस्पेक्टस निकालना है 10 करोड़ का, जिसमें लिखा होगा कि 4 करोड़ आप हमें अभी दे दें, करंट डेट पे दे दें, जो बाकी का 6 करोड़ है वो आप हमें इस रेलिवेंट डेट पे दे दीजिएगा जब हम ये तमाम कंडीशंस मीट कर लेंगे। यानी कि एक प्रोस्पेक्टस के अंदर आपने मल्टीपल बॉरोइंग्स, मल्टीपल ऑफरिंग्स की डिमांड रख दी है।
अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, आपको दो सेपरेट प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते। मगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस का कमाल ये है कि आप सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल ऑफरिंग्स अलाउ कर देते हैं, मल्टीपल ऑफरिंग जो है वो कर रहे होते हैं कि कुछ पैसा आप हमें अभी दे दें, कुछ पैसा आप इस टाइम पे इन कंडीशंस के मीट होने के बाद दे दीजिएगा। एम आई क्लियर? ठीक हो गया। अब होगा ये कि अबनान भाई क्या करेंगे, अबनान भाई 10 करोड़ रुपए का शेल्फ प्रोस्पेक्टस मार्केट में लेकर आएंगे, मगर पैसे कितने चाहिए उनको, 4 करोड़ रुपया। जब अगले 6 करोड़ रुपए की बारी आएगी तो वो इशू करेंगे सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस। जिस तरह डिफरेंट किताबों के सप्लीमेंट्स नहीं आते, आईकेएम आपको बताता है कि सेशन में ये वाला पेज चेंज करके ये वाला पेज लगा लें, ये वाला एमसीक्यू अब खत्म हो चुका है, टॉपिक्स कम हो चुके हैं, टॉपिक्स बढ़ चुके हैं, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट किताब के अंदर जिस तरह सप्लीमेंट्स आते हैं, इसी तरह प्रोस्पेक्टस जब आपने एक दफा इशू कर दिया और बाद में दोबारा इशू करना चाह रहे हैं तो हम उसके सप्लीमेंट निकालते हैं। अ सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस इनवाइट्स जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू द सिक्योरिटीज अर्लियर ऑफर्ड थ्रू शेल्फ प्रोस्पेक्टस। आपको याद होगा हमने ऊपर कहा था 10 करोड़ रुपए में से 4 अभी दे दें और 6 बाद में दे दीजिएगा। अब जब इस बात की बारी आएगी तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी निकालेगी सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस। और ये कब पॉसिबल होता है, ये तभी पॉसिबल होता है जब प्रोस्पेक्टस क्या हो, शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो। और शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है कि आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट में मल्टीपल ऑफरिंग्स की बात कर रहे होते हैं। अब अगर आपको 6 करोड़ नहीं चाहिए, आपको चाहिए 3 करोड़, तो आप 3 करोड़ का निकालेंगे सप्लीमेंट। और अगर 3 करोड़ आपको बाद में चाहिए, फिर एक और सप्लीमेंट निकलेगा बाकी के 3 करोड़ रुपए के लिए। तो ये ईच ऑफरिंग के लिए होता है और हर एक के अपने अपने डिस्क्लोजर्स वहां पे मेंटेन किए होते हैं, अपडेट किए होते हैं। तो प्रोस्पेक्टस मेन हेडिंग आ गई। प्रोस्पेक्टस के अंदर आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, वो कब आता है, जब मल्टीपल ऑफरिंग्स करनी हो, और जब मल्टीपल ऑफरिंग्स कर ही रहे हैं और दूसरी ऑफर करनी है, तीसरी ऑफर करनी है, तो हम सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। हमसे मराद है कंपनी, कंपनी निकालती है सप्लीमेंट जिसके अंदर वो बताती है कि जनाब अब हमें इतने पैसे दे दें, अब हमें इतने पैसे दे दें। प्रोस्पेक्टस में कोई लिमिट नहीं। आपको याद होगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, याद है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या था, मैक्सिमम शेयर कैपिटल। और वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल कैसे आएगा, जनरल पब्लिक को इनवाइट करके। इनवाइट कैसे करेंगे, बजरिया प्रोस्पेक्टस। याद बात समझे, क्या कंपनी सिर्फ अपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम ही प्रोस्पेक्टस इशू करती है? द आंसर इज नो। कंपनी में इशू आ प्रोस्पेक्टस एट एनी पॉइंट इन टाइम ऑफ इट्स लाइफ, जिंदगी के किसी भी हिस्से में कंपनी अगर जनरल पब्लिक से पैसा लेना चाहे तो वो उनसे पैसा ले सकती है। कंपनी में इशू आ प्रोस्पेक्टस एट एनी पॉइंट इन टाइम ऑफ इट्स लाइफ। कभी कभी होता ये कि कंपनी कहती है कि यार हम शेयर कैपिटल तो रखते हैं, हम है भी पब्लिक कंपनी, बट अभी हमें पब्लिक को ज्यादा इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, अभी हम अपने ही पैसों से चलते हैं, जहां जरूरत पड़ी कंपनी से पब्लिक से पैसे ले लेंगे। तो जरूरी नहीं होता कि कंपनी फॉरन ही इनकॉर्पोरेशन के बाद प्रोस्पेक्टस निकाल दे और लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दे कि आओ और आके हमें शेयर्स परचेज करो, ऐसा नहीं होता। कंपनी कभी कभी खुद मुख्तारी के साथ चलने की कोशिश
करती है, बट जहां पे उसको जरूरत पेश आए फिर वहां पे वो प्रोस्पेक्टस निकाल के जनरल पब्लिक को इनवाइट कर लेती है। जो नीचे बात लिखी हुई है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाली, ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, इसको फिलहाल कैरी फॉरवर्ड कर लें। नीचे वाली बात मैंने आपको बता दी, फ्यूचर वाली ठीक हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि आफ्टर कमेंसमेंट फॉरन से आप शेयर्स जो है वो देना शुरू कर दें जनरल पब्लिक को, उनको इनवाइट करना शुरू कर दें। ग्रेजुअली चीजें होती हैं। जब आपने प्रोस्पेक्टस बनाना है तो उस प्रोस्पेक्टस को फिर आपने रजिस्ट्रार के पास फाइल भी कराना है इशू करने से पहले। याद रखिएगा, बिफोर इशुएंस आपने फाइल करवाना है, जमा करवाना है किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। कॉपी, साइन कॉपी, और साइन किस किस के आ रहे होंगे, हर वो शख्स जो कि उस कंपनी का क्या है, डायरेक्टर या होने वाला डायरेक्टर, जो पोस्ट वो जो है वो अपना साइन करके रजिस्ट्रार भाई को दे देंगे और रजिस्ट्रार भाई उसको अपने पास महफूज कर लेंगे। अगर कोई कॉन्ट्रोवर्शन है, कोई मसला मसाइल आ रहे हैं या उस चीज को फॉलो नहीं किया गया, साइन नहीं किए गए, तो फिर आपको लेवल 2 की पेनल्टी अदा करनी पड़ेगी। कल हम लोग ना एक पूरा मैप भी देखेंगे कि प्रोस्पेक्टस की टाइमलाइन क्या होती है, मगर आज हम जरा कुछ किताबी बातें समझ लें ताकि कल उस मैप को बनाते हुए ज्यादा मसला हमें ना आए। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने पहला पेज देखा। मुझे बताइए इस पेज के ऊपर कोई सवाल, कुछ चीजें हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड की हैं, उनके अलावा बताइएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कंपनी जब अपना प्रोस्पेक्टस बनाएगी तो उसके अंदर जो बातें लिखेगी वो बातें सारी की सारी सही होंगी? जब उसने जनरल पब्लिक को इनवाइट करना, आपको लगता है कि वो झूठ बोल सकती है? झूठ बोल के लोगों को मिसगाइड कर सकती है, मिसलीड कर सकती है, ताकि लोग ज्यादा प्रॉफिट देख के, ज्यादा एसेट देख के, कम लाइबिलिटीज देख के उस कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट करें? ये पॉसिबल है ना, कंपनी झूठ बोल सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो उस काम के लिए क्या होते हैं, उस काम के लिए हम एक्सपर्ट्स को दावत देते हैं कि आए और आके चेक करें। एक्सपर्ट्स कौन है? एक्सपर्ट्स वो लोग हैं जिनका कंपनी के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं है, कंपनी के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं है, कंपनी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और ये आके कंपनी के एसेट्स को देखते हैं, कंपनी के लायबिलिटीज को देखते हैं, कंपनी के रेवेन्यू मॉडल को देखते हैं, कंपनी के लोगों की इंटेग्रिटी को वेरीफाई किया जाता है। तो हर वो शख्स जो कि कंपनी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं रखता, वो इंडिपेंडेंट है, और उसको इसीलिए एसएससीपी एंगेज करती है कि जाओ और जाकर देखो कि कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस निकालना है वो सही भी है या नहीं, वो एक्सपर्ट कहलाता है। और याद रखिएगा, ही शुड बी इंडिपेंडेंट। तो एक्सपर्ट शुड बी अ पर्सन हु इज नॉट what? In part of promotion या management of company. वो कंपनी के किसी भी तरह के मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ना ही उसने कंपनी की प्रमोशन के लिए कभी काम किया, वो कंपनी से बिल्कुल क्या है, अलग है, बिल्कुल अलहदा है, कंपनी से बिल्कुल सेपरेट है। और जब वो कंपनी से बिल्कुल सेपरेट है, इसका मतलब है कि किसी भी तरह की जो सेल्फ इंटरेस्ट है, जो बायसनेस है, वो इसमें नहीं है। ये एक्सपर्ट्स कौन कौन से लोग हो सकते हैं? ये बैंकर हो सकता है, सिक्योरिटी एडवाइजर हो सकता है, इंजीनियर, वैल्यूअर, अकाउंटेंट, लॉयर, या हर वो शख्स जिसको अथॉरिटी दे दी गई है कि तुम जाओ और जाके कंपनी की चीजों को वेरीफाई करें।
ठीक हो गया जी। तो एक्सपर्ट की भी ये डेफिनेशन आपने एज इट इज याद कर लेनी है। बता आपको दिया इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, बैंकर है, सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वैल्यूअर हैं जो ये जो बिल्डिंग्स की वैल्यू वगैरह लगाते हैं, अकाउंटेंट आपको पता है, लॉयर का मतलब वकील, बैंकर का मतलब वो जो बैंक में लोग काम करते हैं, इंजीनियर आपको पता है, सिक्योरिटी एडवाइजर ये जो डिफरेंट सीए फर्म्स आपको एडवाइस कर रही होती है कि यहाँ पे आपने शेयर्स खरीदने, यहाँ पे नहीं खरीदने, किसकी रेटिंग्स अच्छी हैं, किसकी रेटिंग्स बुरी हैं, किसका डिविडेंड अच्छा है, किसका डिविडेंड कम है, तो ये डिफरेंट एडवाइजर्स भी काम कर रहे होते हैं, तो वो बतौर एक्सपर्ट हम हायर कर सकते हैं जिनका कंपनी से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। प्रोस्पेक्टस के अंदर जब हम लोग एक्सपर्ट को अपॉइंट करके लेकर आ रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस के अंदर एक स्टेटमेंट होती है जो एक्सपर्ट की तरफ से होती है और ये एक्सपर्ट की ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस कर रही होती है। ये एक्सपर्ट की ऑब्जर्वेशंस के ऊपर क्या कर रही होती है, बेस कर रही होती है। मगर जिस पर्सपेक्टिव के अंदर वो एक्सपर्ट की डेफिनेशन होगी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या हमने वो डेफिनेशन उसमें ऐड करके उसको पब्लिश करना है या नहीं करना। आप तब तक पब्लिश नहीं कर सकते उसकी स्टेटमेंट जब तक आपने उससे रिटर्न कंसेंट ना ले लिया, उसने आपको बयान हल्फी ना दी हो कि हाँ ठीक है आप मेरी स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रोस्पेक्टस में अगर एक्सपर्ट का जिक्र आ रहा है, एक्सपर्ट की किसी स्टेटमेंट का जिक्र आ रहा है, एक्सपर्ट की कोई भी स्टेटमेंट आ रही है, तो उसके लिए पहली बात कि रिटर्न कंसेंट होना मस्ट है, रिटर्न कंसेंट होना मस्ट है। और साथ ये लिखा होगा कि जो स्टेटमेंट एक्सपर्ट ने दी है वो इंडिपेंडेंटली दी है और उस पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं, और वो अपने इस कंसेंट से विड्रॉ नहीं करेगा, वो अपनी स्टेटमेंट से किसी की तरह पीछे नहीं हटेगा। यहां तक रीड कर लो, मुझे बताइए इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम एक्सपर्ट।
ठीक हो गया। यहां तक क्लियर है? एक्सपर्ट की बात समझ आ गई हमें? ओके। अब अगर एक कंपनी गलत डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस इशू कर दे तो क्या होगा? क्या उस पर किसी भी किस्म की कोई लायबिलिटी होगी? यस बिल्कुल। जब एक कंपनी डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस निकाल रही है तो क्या होगा? क्रिमिनल लायबिलिटी उसके ऊपर डाली जाएगी। ये क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होता है? ऐसी लायबिलिटी क्योंकि अदालत आप पे लगाती है, इसके लिए आपको अदालत जाना पड़ता है। हर वो शख्स जो कि इस ऑफेंस में मुब्तला है, जिसने मिसलीड किया, गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई, डिसेप्टिव स्टेटमेंट्स दी प्रोस्पेक्टस के अंदर, इनकरेक्ट अनट्रू बात की, इंफॉर्मेशन ओमिट कर दी, एक्स्ट्रा बात बता दी, गलत बात बता दी, फोर्जरिंग कर दी, ऑल्टरेशन कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो क्रिमिनल लायबिलिटी का हकदार होगा। क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी, कितनी होगी, ये बता दिया जाएगा। बट हमें ये पता होना चाहिए कि देयर वुड बी अ क्रिमिनल लायबिलिटी अगर डिफेक्टिव प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है तो। हर वो शख्स जो कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, अनट्रू, इनकोरेक्ट, डिसेप्टिव स्टेटमेंट्स पास कर रहा है प्रोस्पेक्टस के अंदर, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, सही वाली को ओमिट कर रहा है, गलत वाली को दिखा रहा है, ऑल्टरेशन कर रहा है, फोर्जरिंग कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, अकाउंट सही से नहीं आ रहे, एसेट्स को डिसीव किया जा रहा है, सब कुछ, जी एक्सपर्ट भी, सब कुछ इंक्लूडिंग एक्सपर्ट, सारे बंदे जो कि गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो क्रिमिनल लाइबिलिटी के हकदार। और मजे की बात है, यह क्रिमिनल लाइबिलिटी एक सिविल लाइबिलिटी भी होती है, सिविल लाइबिलिटी भी होती है। सिविल लाइबिलिटी होती है बिटवीन इंसान, क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है बिटवीन इंसान एंड इदारा। हर ऑफरर, इशुअर, डायरेक्टर या हर वो शख्स जिसने प्रोस्पेक्टस पे साइन किया है और वो प्रोस्पेक्टस गलत है, मिसलीड कर रहा है, फॉल्स है, वो भी कंपनसेशन पे करेगा अपनी 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 जेब से। यानी कि लेट सपोज प्रोस्पेक्टस के अंदर एक इंफॉर्मेशन गलत है और यहाँ पे साइन आ रहे हैं एक डायरेक्टर के, उसने साइन किए हैं और इस प्रोस्पेक्टस को इशू किया गया, इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के एक इन्वेस्टर ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ली, तो अब ये डायरेक्टर जिसके साइन इस प्रोस्पेक्टस पे आ रहे हैं वो कंपनसेट करेगा हर उस शख्स को जिसने उस प्रोस्पेक्टस को यूज करते हुए सिक्योरिटीज को एक्वायर किया, सिक्योरिटीज खरीदी, इस रिलायंस के साथ कि ये प्रोस्पेक्टस सही बना हुआ है और उसको लॉस नहीं होगा। मगर प्रोस्पेक्टस खराब था, मिसलीडिंग था, डिफेक्टिव था, गलत था, अनट्रू था, उसको लॉस हो गया, जिसकी वजह से अब उसको सिविल लायबिलिटी का भी सामना करना पड़ेगा और ओवरऑल कंपनी क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर आ जाएगी। तो ये दो तरह की लायबिलिटीज हैं जो कि हमें देखनी पड़ेंगी अगर हम डिफेक्टिव डिसेप्टिव प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं। एक दफा इसको भी रीड कर लें।
जी इसको रीड किया आपने, कोई मसला, कोई परेशानी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ठीक है, आज की हमारी आखिरी बात, नॉर्मल रूल ये है जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा, ये जो ऊपर वाली बातें हैं कि जो ऊपर की बुलेट्स आ रही है अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी, मगर नॉर्मल रूल ये है कि जब भी प्रोस्पेक्टस निकालना है तो उसके लिए एसएससीपी की अप्रूवल आपको चाहिए, मगर देर आर सर्टन एक्सेप्शन जहां पे आपको एसएससीपी की अप्रूवल नहीं चाहिए होती। वो कौन सी है? अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान निकाल रहा है तो उसको एससीपी की अप्रूवल देना जरूरी नहीं है। अगर आप कोई प्राइवेट ऑफरिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई प्राइवेट ऑफरिंग कर रहे हैं यानी कि आप जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स को इन्वाइट कर रहे हैं। There is no general public. जहां पर general public नहीं है, already existing members से राब्ता किया जा रहा है, तो उस केस में आपको approval लेने की जरूरत नहीं है। अगर securities shares हैं और आप bonus shares दे रहे हैं, तो bonus shares के केस में भी आपको किसी भी तरह की approval की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डिंग के केस में अगर आप बोनस शेयर्स दे रहे हैं और उसके लिए अगर आपने प्रोस्पेक्टस निकाला है, तो वहां पे भी आपको एसएससीपी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इशू कर रहे हैं एम्प्लॉयज को या उनकी फैमिलीज को, मेंबर्स को यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स को या एम्प्लॉयज को या उनकी फैमिली मेंबर्स को, तो भी आपको जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस की। इन शॉर्ट जो हमें एक बात समझ आ रही है वो ये कि सिर्फ जनरल पब्लिक जहां पर आएगी तभी हमें प्रोस्पेक्टस की तरफ जाना पड़ेगा, अदर देन दैट हमें जरूरत नहीं है। स्टेट बैंक कोई जरूरत नहीं, प्राइवेट ऑफर हो रही है कोई जरूरत नहीं, मेंबर्स को दे रहे हो, उनकी एम्प्लॉयज को दे रहे हो, उनकी फैमिलीज को दे रहे हो, कोई मसला नहीं। अगर बोनस शेयर निकाल रहे हो तो भी कोई मसला नहीं। आपको याद होगा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कंपनी अपना डिविडेंड शेयर्स की फॉर्म में भी दे सकती है, याद है कि कंपनी शेयर इशू कर सकती है डिविडेंड देने के लिए। और आपको चैप्टर याद हो सर? यही पॉइंट था मेरा भी, यही पॉइंट था। हम लोगों ने कहा था कि कंपनी जब डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड कैश में भी हो सकता है, मगर होल्डिंग सब्सिडियरी के केस में आप उसको बतौर शेयर्स भी अपना डिविडेंड निकाल सकते हो, दे सकते हो। सर अपने शेयर्स या दूसरी कंपनी के शेयर जो जिस कंपनी को उसने एक्वायर किए होते हैं? दोबारा पूछना। अपने शेयर्स सर वहां पे हेलो आवाज आ रही है अदनान? वहां पे लिखा हुआ था कि लिस्टेड कंपनी के शेयर जिस कंपनी ने एक्वायर किए होते हैं वो इशू कर सकती है। ऐसे ही मैं आपको एक काम करता हूँ, क्लास के बाद ना व्हाट्सएप करूंगा इन दोनों पॉइंट्स को मिला, परेशान नहीं होना, ठीक है? ओके सर। अभी जो कि टाइम थोड़ा सा कम है मुझे उसको वाइंड अप करना है। आखिरी पॉइंट ये है कि हम बतौर डिविडेंड ये शेयर्स भी दे सकते हैं, और उस केस में भी मुझे इन भाई साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ अ सब्सिडरी, सब्सिडरी के शेयर्स मैं दे सकता हूं होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को बतौर डिविडेंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, मैनर जो प्रिस्क्राइब्ड है वो लोग खुद ही बता देंगे, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे भी मुझे इन भाई साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये पांच एक्सेप्शंस हैं, आपने इसको अगेन क्रैम कर लेना है कि आपको ये पसंद एरिया लगता है, जहां पे बुलेट्स होंगी, जहां पे एक्सेप्शन होंगी, आई कैप का ये मोस्ट फेवरेट एरिया है। अब मेरे जिम्मे जो है ये दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके बताना है, वो मैं अभी आपको क्लास के बाद बता देता हूँ ग्रुप के अंदर ही। और आप लोगों की तरफ जो जिम्मेदारी है वो ये कि आप लोगों ने इस एरिया को तैयार करके आना, ताकि हम लोग कल आगे की तरफ चले। ठीक है, ऑल डन। आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।